A happy morning to all of you. Today we will discuss a new topic, that is variation of conductance, specific conductivity, equivalent conductivity and molar conductivity with dilution. In factors की कैसे variation होगी, जैसे जैसे हम किसी भी solution की concentration को decrease करेंगे, means उसे dilute करेंगे, वो हम इस topic में पढ़ेंगे. So electrolytic conductance as well as equivalent conductivity and molar conductivity, they all increase with dilution. अब ऐसा क्यों है? जैसे ही हम किसी solution की dilution करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ions produce होते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा ions अगर produce होंगे, तो that means वहाँ पे conductance increase करेगी, because conductance of solution is only due to the presence of ions. ठीक है? बट जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो आपके पास डिक्रीज़ कर रही है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की. वो क्यों डिक्रीज़ करती है? बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस विच आर प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, दे बिकम लेस एंड लेस ऑन डिल्यूशन. देयरफॉर कापा फैक्टर, दैट मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस. एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, दे इंक्रीज बिकॉज दे आर प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम. और वॉल्यूम का फैक्टर कॉम्पेंसेट कर जाता है टू द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ कापा, दैट मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. इसलिए मोलर और इक्विवेलेंट इंक्रीज हो जाती हैं. और जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो कम होती है, बिकॉज जो करंट कैरिंग पार्टिकल्स हैं, जो आयोन्स हैं पर सेंटीमीटर क्यूब, दे बिकम्स लेस ऑन डाइल्यूशन. द नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसेंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. अब हम दोनों के लिए सेपरेटली पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसे उनकी मोलर कंडक्टिविटी वेरी करती है जब हम कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं या इंक्रीज करते हैं. सो अभी आपने पढ़ा कि जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट इंक्रीजेज एज कंसेंट्रेशन डिक्रीजेज. अभी आप पढ़ के आए कि जैसे जैसे हम डिल्यूशन करेंगे जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी. पर दोनों में वेरिएशन, चाहे वो स्ट्रांग है या वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों में आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी. बिकॉज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच डिसोसिएट कम्प्लीटली, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच डिसोसिएट टू अ स्मॉलर एक्सटेंट. इसलिए दोनों की वेरिएशन भी डिफरेंट होगी. सो फर्स्ट अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इज फाउंड टू वेरी विद कंसेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. अब आपको यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है जिसे हम बोलते हैं डिबाय हकल ओनसागर इक्वेशन. ये है डेल इज इक्वल्स टू डेल नॉट माइनस ए रूट सी, जहाँ पे ए कॉन्स्टेंट है जो डिपेंड करेगा ऑन द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर. और जो डेल नॉट है, दिस इज़ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. ये भी हम आगे देखेंगे, इसकी डेफिनेशन आपको गिवन है. और जो सी है, दैट इज़ कंसेंट्रेशन. तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की वेरिएशन है जो हम कंसेंट्रेशन के साथ देखेंगे, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू डिबाय हकल ओनसागर इक्वेशन, एंड इट इज़ फाउंड टू होल्ड गुड एट लो कंसेंट्रेशंस. ठीक है, अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे डेल एम और रूट सी में, तो हमारे पास लो कंसेंट्रेशंस में एक लीनियर ग्राफ आएगा. बट जैसे जैसे कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे, वहाँ पे जो ग्राफ है आपके पास लीनियर नहीं रहेगा. अभी हम वो ग्राफ देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. सो पहले आपको देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन गिवन है. इट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एज इट्स इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो कंडक्टिविटी है जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन जीरो को अप्रोच कर रही है, इसलिए हम उसके लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं लिमिटिंग. अब आपको यहाँ देखो ग्राफिकली शो किया गया है, जैसे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है KCl, तो यहाँ पे आपको एक कर्व प्रोवाइडेड है. हमने एक प्लॉट ड्रॉ किया है मोलर कंडक्टिविटी डेल एम में और कंसेंट्रेशन में. नाउ हेयर वी कैन सी दैट फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज़ ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन. अब ऐसा क्यों है कि आपको बहुत कम इंक्रीज देखने को मिलता है? बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है, इट ऑलरेडी डिसोसिएट कम्प्लीटली इन द सोल्यूशन, सो द नंबर ऑफ आयन्स रिमेन कॉन्स्टेंट. वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, इसलिए वहाँ पर नंबर ऑफ आयन्स जो है कॉन्स्टेंट रहते हैं. ठीक है, और जैसे ही हम हायर कंसेंट्रेशंस की बात करते हैं, तो जो भी वहाँ इंटर आयनिक इंटरेक्शंस होती हैं वो रिटार्ड करती हैं, दे रिटार्ड द मोशन ऑफ आयन्स. इसलिए जो कंडक्टेंस है दैट फॉल्स डाउन. इसलिए आपको जो है ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिलता है एट हायर कॉन्सेंट्रेशन. बट अगर आप कंसेंट्रेशन को डिक्रीज कर देंगे, तो जब वहाँ इंटर आयनिक इंटरेक्शंस होंगी वो भी डिक्रीज हो जाएंगी, तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी और वो एक लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच करती है, जो कि आपकी क्या बन जाती है, डेल नॉट एम. तो यहाँ से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लेते हैं, बट ओनली एट लोअर कॉन्सेंट्रेशंस. आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो आपको कंडक्टेंस की वैल्यू है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे ही आपको इंक्रीज होती दिखाई दे रही है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास ये एक
मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच करेगी विच इज़ एट इनफाइनाइट डिल्यूशन डिनोटेड बाय डेल नॉट है. तो ये हुई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात. बट यहाँ पे ये आपको वैल्यू तभी देखने को मिलेगी जब आप लो कंसेंट्रेशन पे बात कर रहे हो. दैट मीन्स व्हेन देयर इज डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन, दैट मीन्स विद डिल्यूशन. हाई कॉन्सेंट्रेशन पे जो है यहाँ पे आपको स्मॉल इंक्रीज कंडक्टेंस में देखने को मिलेगा विद डिल्यूशन. सो दिस इज अबाउट द कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. नाउ वील टॉक अबाउट द कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. सो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इट ग्रेटली डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, अब जैसे जैसे आप कंसेंट्रेशन को चेंज करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी जो है आपके पास चेंज होगी. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैव अ लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एज कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत कम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स वो कम एक्सटेंट पे डिसोसिएट होते हैं जैसे जैसे कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है. अब अगर हम कर्व के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे देखो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया गया जैसे एसिटिक एसिड CH3COH. नाउ वी कैन सी हियर दैट देयर इज़ वेरी लार्ज इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डिल्यूशन एस्पेशली नियर एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, दैट मीन्स एट डेल नॉट एम. मतलब आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कंडक्टेंस में देखने को मिलेगा जैसे जैसे आप डिल्यूशन करोगे और एट नियरली इनफाइनाइट डिल्यूशन. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे ही हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन को कम करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आयोनाइज होता है. तो यहाँ पे भी आपको जो है एट द व्हेन वी लो द कंसेंट्रेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट मोर ऑफ इट आयोनाइजेस. इसलिए आपको यहाँ पे एग्जैक्ट इस तरह से जो वैल्यू है वो देखने को मिल रही है कि जो आपकी डेल नॉट कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो आपके पास इंक्रीज होती जा रही है और वो रीच कहाँ को कर रही है? इनफाइनाइट डिल्यूशन. बट इसमें क्या होता है कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो कर्व को एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं. ठीक है, और हम वहाँ से वैल्यू देख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, दैट मीन्स डेल नॉट एम. बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्स्ट्रापोलेशन टू जीरो कॉन्सेंट्रेशन इज़ नॉट पॉसिबल. हम जो कर्व है, क्योंकि कर्व जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट में इस तरह से मूव कर रही है तो इसको हम एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते टू जीरो वैल्यू. सो यहाँ पे क्या होता है, डेल नॉट की वैल्यू जो है वो हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते. सो दिस प्रॉब्लम देन सॉल्व्ड बाय द कॉलराश. साइंटिस्ट थे कॉलराश, जिन्होंने कॉलराशेस लॉ प्रोवाइड किया था जिसके थ्रू हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कैलकुलेट कर सकते. सो व्हाट इट स्टेट्स एक्चुअली, जैसे आपको इस ग्राफ में भी शो किया गया है, द इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स कम्प्लीटली बट द कंडक्टिविटी सो लो दैट इट कांट बी मेजर डायरेक्टली. हम इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट तो कर जाता है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, बट जो कंडक्टिविटी आपको देखने को मिलती है वो इतनी कम होती है कि हम उसे एक्यूरेट नहीं कर सकते. इसलिए हम कॉलराशेस लॉ को यूज़ करते हैं टू फाइंड डेल नॉट एम, क्योंकि यहाँ पे जो है कर्व जो है उसको हम एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते टू जीरो वैल्यू. सो व्हाट इट स्टेट्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनायंस एंड कैटायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. जैसे हमारे पास कोई भी सॉल्ट है ए वाई बी जेड टाइप का, तो हम इसकी डेल नॉट एम कैसे लिखेंगे जब हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है? इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंसेज, जो उनकी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंसेज हैं कैटायन की और अनायन की, ईच मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. उसको हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? जितने नंबर ऑफ आयंस उनकी फार्मूला यूनिट में प्रेजेंट है. जैसे ए वाई था तो वाई से लिमिटिंग कंडक्टिविटी जो है मल्टीप्लाई हो रही है, और जेड बी जेड थे तो वो जेड से मल्टीप्लाई हो रही है. तो जब हम यहाँ पे ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, इस लॉ को अप्लाई करेंगे, सो हेयर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. तो कॉलराशेस लॉ ने हेल्प किया हमें टू कैलकुलेट दैट वैल्यू. ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अगर हमें अल्फा कैलकुलेट करना है यहाँ पे तो वो भी कैलकुलेट हो सकता है. वो आपके पास फॉर्मूला है डेल एम इज इक्वल्स टू डेल नॉट एम. डेल एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, और डेल नॉट एम अभी आप पढ़ के आए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट अप्रोचेस जीरो. वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. जैसे हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट को भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ के ए. इट इज़ इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा. तो सी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है और अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी
with concentration for strong and weak electrolyte, and this is very important topic. So thank you everyone.